नमस्कार, इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम विभाग बात में आपका स्वागत है। वक्त झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, साथ के सभी दिए धुआं पहर पहर गए, और हम खड़े खड़े नीर नयन में भरे, कारवा गुजर गया गुहार थे खड़े रहे। लगता है कविवर नीरज ने यह कविता कांग्रेस के वर्तमान हालातों पर ही लिखी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार 27 चुनाव हार चुकी है। एक के बाद एक बड़े नेता पार्टी को रुखसत करते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता ना तो नेता को बदलने को तैयार हैं, ना नीति को बदलने को तैयार हैं। आखिर में ऐसे हालातों में कांग्रेस का क्या भविष्य होगा? कांग्रेस किस दिशा में जाएगी? कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस के रसातल में जाएगी? ये सारे प्रश्न आज हैं हमारे सामने खड़े। आखिर में कांग्रेस का क्या भविष्य होगा, इस पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज। रेहाना जी, आखिर में कांग्रेस की लगातार दुर्गति हो रही है, क्या लग रहा है यार? ऐसे समय में आपको कांग्रेस महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया है, राजस्थान में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, क्या लगता है इस दुर्गति के समय में ये ताज पहनते हुए? जिम्मेदारी दिया जाता है और जिम्मेदारी देते नहीं, ये सामने वाले की काबिलियत के ऊपर भी शायद थोड़ी बहुत नज़र होगी। और मुझे मेरे पार्टी में काम करते हुए 31 साल का टाइम बीत गया, तो 31 साल में कहीं ना कहीं मैंने बहुत संघर्ष भी देखा है। तो पार्टी में या जिंदगी में या समाज में अच्छे बुरे सब चलता है, और कभी बहुत अच्छा सुनहरा था हमारा अतीत, अब हमारे कुछ ऐसे चल रहे हैं वक्त जिसमें सभी कह रहे हैं कि बहुत खराब दौर चल रहे हैं। रेहाना जी, यही सवाल है, आप तो 31 साल से पार्टी की कार्यकर्ता हैं, आखिर में ऐसा वक्त ही क्यों आया, ऐसा बुरा दौर क्यों आया? कौन नेता अपनी पार्टी को खराब स्थिति में ले जाना चाहता है? और पार्टी की आइडियोलॉजी अगर खराब होते तो 131-32 साल से जो पार्टी चल रही है, और जब हम इंडिया की इतिहास की ओर देखते हैं, हम मानते हैं अभी कलयुग चल रहे हैं, हर युग को 2.5 लाख साल का मानते हैं, तो इतने साल बीतने के, लाखों साल बीतने के बाद भी इंडिया वहीं की वहीं खड़ी है। और जो बात करते हैं, 131 साल की पार्टी कोई पुरानी पार्टी नहीं है, आज भी उसकी आइडियोलॉजी है, बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, कारण होते हैं, कई दफा अप होते हैं, कई दफा डाउन होते हैं। रेहाना जी, वास्तविकता धरातल पे उतरी है, 27 चुनाव लगातार पिछले 3-4 सालों में, एक के बाद छोटे से बड़े 27 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस, क्यों नहीं स्वीकार करते, मेरी समझ में नहीं आती। राहुल जी ने जितना मेहनत किया है, और मैं नहीं समझते रीसेंट पास्ट में किसी ने इतना भागदौड़ किया है, आप देखते होंगे कि इतने तो वो पदयात्रा करते हैं, पदयात्रा करते टाइम कोई नेताओं से नहीं मिलते हैं, वो आम लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं और उनको समझने के लिए इतने जनता ठुकरा रही है उनको। नहीं, ठुकराने की तो कई, और उनकी जनता को ऐसा लगता होगा कि वो बीजेपी जो झूठे जान से दे रहे हैं उसमें आए होंगे, 15 लाख के लिए आए थे और पाकिस्तान से सिर कटवा के ला रहे थे। बीजेपी को जो सफलता मिल रही है वो झूठे झांचों से मिल रही है, बिल्कुल, ये तो सबको पता है। लगातार पिछले 50-60 सालों से जो कांग्रेस का राज रहा वो झूठे झांचों के चलते हुए रहा। 60 साल में किसने किए काम? बीजेपी ने किए 2-3 साल में काम, आज फीता काटना बहुत आसान है। फिर भी जनता ने क्यों ठुकरा दिया? जनता ठुकरा रहे की जनता ने ठुकराया, जनता ने अगर हमारे को इग्नोर किया या हमारे को रिजेक्ट किया तो हम उस बात को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, और उसके लिए हम सोच रहे हैं कि हम और क्या करें ताकि जनता हमारे साथ में हो। क्या आपको लगता नहीं है रेहाना जी, जब कोई क्रिकेट टीम का कप्तान कोई हारती है लगातार तो कप्तान बदल दिया जाता है, क्यों राहुल गांधी लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, लीड नहीं कर पा रहे हैं, पार्टी में उत्साह नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसके बावजूद लगातार राहुल गांधी से चिपके हुए है पार्टी? कुछ काबिलियत देखा होगा, उस फैमिली की बहुत सैक्रिफाइसेस है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनको पार्टी की बागडोर संभलाया जाए, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि सफलता असफलता की वजह से आप एक व्यक्ति को कैसे देख सकते हैं, कि उनकी जो केवल क्या सफल होता है वही व्यक्ति अच्छा होता है। क्या केवल कांग्रेस में केवल राहुल गांधी का परिवार, गांधी परिवार ही बचा है जो कि सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं, जो लोग सैक्रिफाइस किया है, जो लोगों ने कांग्रेस के लिए, तो उनमें से नेता चुनने क्यों नहीं जाता? जो आ रहे हैं उनको मौका मिल रहा है ना, आप में काबिलियत होना चाहिए। आज मैं 31 साल से काम करने के बाद अब जाकर मुझे मौका मिला है, तो देख रहे हैं नेतृत्व तो जिसमें है काबिलियत, जो करना चाहते किसी को मना थोड़ी है। पर रेहाना जी, अभी अभी जनार्दन द्विवेदी आपके कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, वो आए थे,
जयपुर में उन्होंने कहा था कि सामान्य आदमी को राजनीति में आना ही मुश्किल हो गया है। पर मैं सोचती हूँ कि जितने भी जिनको मैं जानती हूँ, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको एक बराबर आगे आने का मौका मिल रहा है। मैं जब से काम कर रही हूँ, लगातार काम की बदौलत ही आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं इस चीज को कैसे मानूं। देश के किसी भी बड़े राज्य में, कर्नाटक के अलावा किसी बड़े राज्य में कांग्रेस का राज बचा नहीं है। कर्नाटक में भी बहुत ही हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस को अब बदलने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को खड़ा करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को नेता बदलने की जरूरत नहीं है? कांग्रेस कहाँ कमजोर हो रही है, कांग्रेस में लगातार चुनाव जीते जा रहे हैं। पंजाब में हमने चुनाव जीता है कि गोवा में हमारे ठीक है चुरा के लेके गए, या कोई एकदम से आप आकर के उसको लपक के ले जाते हैं, कि जैसे जयपुर के लिए कहते हैं कि टूरिस्ट गाइड जो होता है लिपके हैं, ऐसे लिपका वाले रोल में बीजेपी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनसे पहले हम इस चीज को लिपक लें। ये रेहाना जी, ये लिपका गिरी पिछले 60-70 सालों में कांग्रेस ने बहुत की, कई जगह की, हर जगह कई जगह ऐसे आए कि लपकते रहे हैं, लेकिन आज जब खुद हार जाते हैं तो लिपका गिरी कहते हैं। क्या लगता नहीं है ये भी एक फेल्योर है कि सामने के सामने जो थाली पड़ी हुई है, बहुमत निकट आने को है, ऐसे में आपके नेता दिग्विजय सिंह फेल हो जाते हैं, तो यह लीडरशिप फेल्योर नहीं है? आप बार बार कांग्रेस की नीतियों के ऊपर बात करते हैं कि कांग्रेस की नीतियां तो वही है जिसने आजादी दिलाई इस देश को। आजादी के समय हालात कुछ और थे, आजादी के समय जरूरत कुछ और थी, आजादी के समय अभिलाषाएं कुछ और थी, आजादी के समय पीढ़ी कुछ और थी, आजादी के समय युवा पीढ़ी भी कुछ और सोचती थी। आजादी की उपलब्धियों का बखान कर अब नई पीढ़ी को अपने साथ कांग्रेस लंबे समय तक नहीं कर सकती। इस पर चर्चा जारी रहेगी, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक।